अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपके भाई सामने अहमद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है व्यूअर्स, और मेरे इस ब्रांड न्यू ब्लॉग में सबको खुश आमदी। तो आज आपका भाई जा रहा है इस्लामाबाद से रावलपिंडी। इंशाल्लाह ताला से आपको आज जुड़वा शहरों की सैर करवाई जाएगी। वेदर भी बहुत अच्छा है, हल्के हल्के रिमझिम हो रही है कल रात से। तो एक दो काम है जी, उनके सिलसिले में जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपसे भी वीडियो में शेयर की जाएगी जो जो चीज़, जो जो एक्टिविटीज़ हुई, आपने वीडियो में देने भाई का साथ। और इंशाल्लाह ताला से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरा आज का व्लॉग है आप सबको पसंद आएगा। Thank you.
अभी व्यूवर्स, अभी हम इधर आए हैं जी ग्वाल मंडी में, ग्रंथ रोड भी इसको कहा जाता है रावलपिंडी का। तो इधर से हमने जनरेटर ठीक करवाना है अपना, और कुछ हमारी लाइट्स हैं फैक्ट्री की, उनकी भी रिपेयरिंग करवानी है। जुहेब भाई गए हैं जी अंदर पता करने के लिए, और आपका भाई बना रहा है व्लॉग। तो जी वेलकम बैक व्यूअर्स, अगेन हम दोबारा जहाँ हमने वो लाइट्स रिपेयर करवानी थी उधर आ गए हैं जी। जहेब भाई गए हैं जी लाइट्स लेने, और मैं बैठा हूँ जी गाड़ी में। गाड़ी हमने रोड पे खड़ी की है, पार्किंग का बहुत इशू है इधर रावलपिंडी में, ट्रैफिक बहुत है जुड़वा शहरों में। और एक चीज़ मैंने देखी है कि रावलपिंडी में माशाल्लाह से पुरानी जो तारीखी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ बिल्डिंग देखी हैं ओल्ड हैं, जिनकी हिस्ट्री शायद दो दो साल से भी ज़्यादा हो। तो अभी मैं जिस जगह पर हम खड़े हैं, मेरे सामने भी वो बिल्डिंग है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ व्यूअर्स। मेरे सामने बिल्कुल देख सकते हैं जी आप सनराइज CNG के साथ वाली ये जो बिल्डिंग है, बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं आप इसकी बालकनी वगैरह, और ये जो लकड़ी का उस टाइम का काम होता था। रावलपिंडी में बेशुमार इमारतें जो हैं वो इसी तरह की आपको नज़र आती हैं जब आप अंदरून वाली साइड पे आते हैं, सदर वाली साइड पे या राजा बाजार वाली साइड पे। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से रश बहुत ज़्यादा है, और पार्किंग का बहुत इशू है इधर पिंडी में।